दोस्तों आपका स्वागत है एक नई वीडियो में फिर से। और जैसा कि मैंने इसके पहले फोर्स ट्रैक्स क्रूजर का वीडियो बनाया था और आप लोगों का काफ़ी कमेंट था कि एक अपडेटेड मॉडल पे वीडियो बनाना है, तो उसके लिए आज हम लोग आए हैं फोर्स के शोरूम में। और हमारे सामने खड़ी है फोर्स की ट्रैक्स तूफान और इसके टॉप एंड वेरियंट को क्रूजर भी बोलते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम इसके फ्रंट प्रोफाइल की बात करेंगे। यहाँ पर आपको जो हेडलाइट का सेटअप दिया गया है वो हाइलोजन ही रहने वाला है। यहाँ पर इंडिकेटर का प्लेसमेंट है। फोर्स की बैजिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है और ये फोर्स का लोगो है। नीचे के साइड जो इसकी ग्रिल मिलती है वो काफ़ी मजबूत है। ऑफ रोडर के तौर पे आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं जबकि ये पैसेंजर व्हीकल है। और ये बेस वेरिएंट है, मैं आपको बता दूं कि इसमें 13 सीट का ऑप्शन मिलता है। जब आप टॉप एंड वेरिएंट में जाएंगे तो वहाँ पे 15 सीट का ऑप्शन मिलता है आपको। दोस्तों ये इसका साइड प्रोफाइल है, काफ़ी लंबी लग रही है देखने में और ये पैसेंजर व्हीकल के तौर पर बहुत ही अच्छी है। चारों टायर्स की साइज़ की बात करें तो यहाँ पर 15 इंच का टायर मिल जाता है आपको। अलॉयज वगैरह नहीं मिलते हैं, मतलब व्हील कैप वगैरह नहीं मिलता। और यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए दिया गया है इंजन को। यहाँ पे आप देख सकते हैं FM 2.6 CR की बैजिंग है और साइड इंडिकेटर का प्लेसमेंट यहाँ पे है। ये इसका साइड मिरर है। आप जब इसको चढ़ेंगे तो चढ़ने के लिए यहाँ पे जो दिया गया सपोर्टर दिया गया काफ़ी अच्छा है क्योंकि काफ़ी ऊँची है ये गाड़ी। दोस्तों ये इसका रियर प्रोफाइल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्टेपनी दी गई है ये भी 15 इंच की ही है। और यहाँ पर जो टेल सेक्शन है ये हाइलोजन ही है। यहाँ पे आपको डोर हैंडल्स मिल जाता है। ये ट्रैक्स क्रूजर की बैजिंग है, BS6 के साथ आती है। नीचे के साइड आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं और यहाँ पे आप कैमरे का भी प्लेसमेंट करवा सकते हैं बाद में आफ्टर मार्केट। तो दोस्तों ये गाड़ी ना पैसेंजर व्हीकल में काफ़ी यूज़ होती है और ये बहुत ही अच्छा एवरेज भी निकाल के देती है। बताते चलूँ कि ये 2600 CC का इंजन है जो कि डीजल इंजन के साथ आता है। आइए इसका इंटीरियर चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे वेलकम के लिए यहाँ पे आपको चाबी लगाने के लिए दिया गया है, कुछ यहाँ पे प्रेस करने के लिए दिया गया है। जब आप इसको प्रेस करते हैं तो ये ओपन हो जाएगी। और ये इसका इंटीरियर है। 200 ड्राइवर डोर की बात करें, ड्राइवर साइड डोर की बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ पेपर वगैरह रखने के लिए जगह मिलता है। यहाँ पर डोर हैंडल मिलता है और ये चारों विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं यहाँ पर। ये ओपन और क्लोज करने के लिए नॉब्स दिया गया है। कुछ इस तरीके से आपको लॉक अनलॉक करने की बटन दी गई यहाँ पे। दोस्तों बहुत ही ऊंचा है तो इसलिए इसका ज़रूरत आपको पड़ेगा चढ़ने के लिए। ये बेस वेरिएंट है तो यहाँ पे आपको एसी का ऑप्शन नहीं मिलता है। आप टॉप एंड में जाएंगे तो वहाँ पे एसी का ऑप्शन ज़रूर मिलेगा आपको, एसी और हीटर का। स्टेयरिंग व्हील काफ़ी राउंड शेप में दिया गया है और ये इसका स्पीडोमीटर है, एनालॉग है। बीच में कुछ इन्फॉर्मेशन आती हैं, यहाँ पर आप अपने हेडलाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। और ये इग्निशन है इसका, यहाँ पे कुछ चीज़ें रख सकते हैं जैसे कि छोटे टिकट्स वगैरह। इंडिकेटर का प्लेसमेंट, लाइट्स के कंट्रोल यहाँ पे मिलते हैं और ये वाइपर का कंट्रोल है। दोस्तों इसके सेंटर में आपको यहाँ पे एसी के वेंट्स ज़रूर मिल जाएंगे बट इसमें एसी का ऑप्शन नहीं है, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आप कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह के लिए इन्फोटेनमेंट सिस्टम लगा सकते हैं। ये हैजार्ड लाइट का स्विच है और यहाँ पर कुछ रखने के लिए दिया गया है। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है आपको। ये गियर नॉब से इसका, जो कि 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आती है। और इसमें भी आपको लेदर की कुशनिंग मिल जाएगी। ये इसका हैंड ब्रेक है जो कि काफ़ी बेसिक है। सीट बेल्ट के लिए यहाँ पे जगह दिया गया है आपको। नीचे कुछ होल्डर्स मिल जाते हैं आपको अपना सामान वगैरह रखने के लिए। दोस्तों यहाँ पे भी आपको स्टोरेज मिल जाता है, यहाँ पे आप छोटी छोटी चीज़ें रख सकते हैं। ये इसका ग्लव बॉक्स है, कुछ इस तरीके से ओपन होगा और ये ज़्यादा डीप नहीं है। यहाँ पर भी कुछ सामान आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो होल्डर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं आप। ये इसका IRVM है जो कि डे नाइट आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो टिकट होल्डर है यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलता और ये को पैसेंजर साइड भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। बाकी रूफ पे जो लाइट्स हैं वो नॉर्मल आपको हाइलोजन ही मिलती हैं। दोस्तों ड्राइवर के साइड में भी दो लोग आराम से बैठ सकते हैं, दो लोगों की सीट है तो टोटल आगे 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं ड्राइवर को लेके। सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करेंगे इस गाड़ी में आने के बाद, आपको बोनेट का जो हिस्सा है वो पूरा दिखेगा आपको और रोड प्रेजेंस भी काफ़ी अच्छी है। और जब आप इस पर बैठते हैं तो ऑब्वियसली इसी बात है कि आपको रोड काफ़ी क्लियर विजिबल होने वाला है। आइए इसके मिररों को चेक करते हैं कि क्या क्या मिल रहा है हमें। दोस्तों डोर सेम वही आगे के तरीके से ही दिया गया है और कुछ इस तरीके से इसका मिडर है। इसमें आपको हेडरेस्ट वगैरह नहीं मिल रहा है क्योंकि वो टॉप एंड वेरिएंट में आता है। यहाँ पे आपको कुछ बॉटल वगैरह रखने के लिए दिया गया है और तीनों सीट्स पर दिया गया है तीनों पैसेंजर्स के लिए। यहाँ पर जो बैठेगा वो भी काफ़ी कम्फर्टेबली बैठेगा, बहुत ही ईजिली बैठ सकते हैं। 3 लोग तो बहुत ही ईजिली बैठ सकते हैं लेकिन ये 4 लोगों की सीट है। यहाँ पे भी आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। दोस्तों इसमें जो है ना सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जो पैसेंजर व्हीकल है उसके हिसाब से आपको सारे फीचर्स मिलते हैं इसमें। चढ़ने के लिए यहाँ पे आपको हैंडल्स मिल जाते हैं और यहाँ पे भी आपको सपोर्ट मिल जाता है चढ़ने के लिए, तो काफ़ी कंफर्टेबल है।
इसीलिए इसकी डिमांड है पैसेंजर व्हीकल में सबसे ज़्यादा। आइए दोस्तों इसके रियर रो को चेक करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं तूफान की बैजिंग है और ये इसका टैंक है। दोस्तों इसका रियर का रो है, गेट्स इसके काफ़ी हैवी हैं, बहुत ही अच्छा बिल्ड क्वालिटी है इसका। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे भी नॉब्स मिलता है लॉक अनलॉक करने के लिए। तो कुछ इस तरीके से पीछे का जो रो है वो आप देख सकते हैं, सीट को इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो, बट अगर आपको ज़रूरत है तो आप इस तरीके से सीट को सही भी कर सकते हैं। यहाँ पे चार लोग बहुत ही ईजिली बैठ जाएंगे, तो चार यहाँ पे, आठ लोग ऐसे ही हो गए, तीन आगे तीन बीच में बैठेंगे, 11 और तीन आगे बैठ सकते हैं, तो 11 तीन 14 15 लोग बहुत ही ईजिली बैठ सकते हैं कंफर्टेबली। यहाँ पे भी देखिए हैंडल्स दिया गया है, यहाँ पे भी सपोर्ट मिल जाता है, सारी चीज़ें आपको इस गाड़ी में मिलती हैं, यहाँ तक कि आपको ऊपर भी हैंडल हाथ को रखने के लिए यहाँ पे हैंडल्स मिल जाते हैं। और इसमें ना लाइट्स काफ़ी दी गई हैं, दो तीन लाइट्स तो ऊपर रूफ पे दी गई हैं। और इसका थर्ड सुनिए, काफ़ी अच्छा थर्ड है, फिट एंड फिनिश भी काफ़ी अच्छी है। दोस्तों अब मेन टॉपिक आता है इसकी प्राइस क्या होने वाली है। तो इस वेरिएंट का जो ये तूफान है बेस वेरिएंट है, इसकी प्राइस होने वाली है 16.5 लाख ऑन रोड, और टॉप एंड वेरिएंट की कीमत जब आप एसी के साथ लेंगे तो वो आपको पड़ जाएगी 17.45 लाख की। तो दोस्तों अगर आपको विज़िट करना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर दे दूँगा। आप ये अभी छत्तीसगढ़ में मैं हूँ चरामा में, तो यहाँ पर ये शोरूम है, मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप इनसे बात कर लीजिएगा, प्राइस वगैरह सारी चीज़ें आप डिस्कस कर लीजिएगा। बट मैं एक बार फिर से बता दूं, जो इसकी प्राइस है वो 16.45 लाख है बेस वेरिएंट का। टॉप एंड वेरिएंट लेंगे एसी के साथ तो उसका जो कीमत है वो 17.45 लाख है। और ये काफ़ी अच्छी है, पैसेंजर के तौर पर व्हीकल के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही कम्फर्टेबल है, बहुत ही अच्छी अर्निंग देगी। और ये 15 सीटर है तो 15 लोगों को आपको बैठा सकते हैं आराम से, सारी खूबियाँ इसमें हैं। एक बार आइए चेकआउट कीजिए गाड़ी को, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे ना तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हम ऐसी वीडियो और भी लाते रहेंगे, तो आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा तो हमें भी बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों थैंक यू।